एजाज अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है शुरू किया है कि कैसे हम जो है किसी बीम पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है फाइंड आउट करेंगे, तो इस वीडियो लेक्चर में जो है हम आज जो है दूसरा केस लेकर के समझेंगे कि जब किसी बीम पे जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हो तो उसमें हम जो है कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है फाइंड आउट करेंगे और उसको कैसे हम ड्रा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है सेकंड केस ये है, केस टू। इसमें क्या है कि एक हमारा बीम है कुछ इस तरीके से, सिंपली सपोर्टेड है। इसके पूरे स्पैन पे क्या है, यूडीएल लगा हुआ है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का। और ये इसकी लेंथ क्या है, एल मीटर। ये एल मीटर है। तब हमें पता करना है कि हमारा जो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया और ये हमारा पॉइंट बी हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि इसमें क्या करना है कि हमें एक रिएक्शन निकालना है दोनों पॉइंट पे, कि कितना हमारा पहले रिएक्शन होगा। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, शियर फोर्स फाइंड आउट करना है। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है हर एक पॉइंट पे। उसके बाद हमें लास्ट में हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन निकालते हैं। तो हमने रिएक्शन के लिए भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि जब इस तरीके से लोडिंग हो या आपका कुछ इस तरीके से लोडिंग हो मिड पॉइंट पे हो, तो हमने बताया था कि यहाँ पे हाफ हो जाता है आपका। तो उसी तरीके से ये आपका यूडीएल है, तो यूडीएल आप जानते हैं जब आप इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये बेस इंटू हाइट हो जाता है, बेस इंटू हाइट। तो ये आपका बेस हो गया, ये आपकी हाइट हो गई। मीन्स कि यूडीएल आपका इस तरीके से भी आप कहीं दिखा सकते हैं, कहीं कहीं आपको यूडीएल कुछ इस तरीके से भी दिख जाएगा। तो ये आपका हाइट हो गया और आपका ये बेस हो गया। तो आपको बस इसी में मल्टीप्लाई करना रहता था कि पॉइंट लोड में बदलने के लिए। और यूडीएल आपको हमने बताया था आपको कि ये हमेशा जो है सीजी पे काम करता है, सीजी मीन्स मिड पॉइंट पे। तो आपका ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा जब आप इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट, तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो W इंटू एल मीन्स कि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी यूडीएल रहेगा जितना आपका ये स्पैन लेंथ रहेगा उससे आपकी इसकी इंटेंसिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो W इंटू एल आ गया। तो हमने बताया था कि जब इस मिड पॉइंट पे हो तो ये हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको एक बार निकाल के भी आपको दिखा देते हैं। तो समेसन वी इक्वल्स टू जीरो मीन्स की द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपका एक रिएक्शन यहाँ आएगा आर ए और एक आर बी, सिंपली सपोर्टेड में कुछ इस तरीके से आपका रिएक्शन आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर ए, ये अपवर्ड और ये अपवर्ड, आर ए प्लस आर बी माइनस, ये आपका डाउनवर्ड लग रहा है। तो डाउनवर्ड आपका ये फोर्स कितना हो जाएगा, W इंटू एल। तो माइनस W इंटू एल इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल। इसको आप इक्वेशन वन मान लीजिए। फिर किसी एक पॉइंट पे हम क्या करते थे, मोमेंट ले लेते थे। मीन्स कि ए पॉइंट या बी पॉइंट पे हम क्या करते थे, मोमेंट ले लेते थे। तो मैं यहाँ मोमेंट ले लेता हूँ, आप जो यहाँ करके देखिएगा वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो यहाँ लिख दीजिए टेकिंग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे आप क्या करिए, मोमेंट ले लीजिए। तो बी पॉइंट पे जब आप मोमेंट लेंगे तो आपका हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका क्या हो गया, ये आपका फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, ये एल मीटर। मीन्स कि ये फोर्स हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका इसके रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हो गया आपका ना इसके रिस्पेक्ट में। जब इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये आपका फोर्स और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये उसका ये होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना हो गया, एल मीटर। तो यहाँ पे फोर्स आपका हो जाएगा आर ए इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, और ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये जो बीम है, जो फोर्स है, वो इस बीम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से जो है आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं आपका। तो माइनस, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस लोड की वजह से ये किधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरीके से। जब आप इसको आप रिजॉल्व करेंगे,
ये फोर्स आपका हो गया। हमने क्या बताया था कि यूडीएल हमेशा जो है मिड पॉइंट पे एक्ट करता है, मीन्स कि सीजी पे एक्ट करता है। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, एल का हाफ एल बाई टू, तो आपका फोर्स ये हो गया डब्ल्यू इंटू एल, जब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए। और ये किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है बीम को, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव। और डिस्टेंस कितनी हो गई एल बाई टू, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डब्ल्यू एल, ये आपकी फोर्स हो गई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई एल बाई टू, तो ये आपका आ गया आर ए इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू और ये अपान एल, तो एल से एल कैंसिल, तो आर ए की वैल्यू आपकी आ गई डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एल बाई टू किलो न्यूटन, ये आपकी आर ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करिए, इस वैल्यू को जो है आप इक्वेशन वन में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन वन तो आर ए आपका क्या है, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल, तो आर ए की वैल्यू आप निकाल लिए हैं, यहाँ से आर बी की निकाल दीजिए, आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल माइनस आर ए, तो डब्ल्यू एल माइनस आर ए की वैल्यू कितनी आई है डब्ल्यू एल बाई टू, तो आपकी आर बी की वैल्यू आ गई डब्ल्यू एल बाई टू किलो न्यूटन, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप क्या काम करिए कि अब जो है आपको शियर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो शियर फोर्स में जो है ये हमारी इस फोर्स की जो रिएक्शन थी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए हमने निकाल दिया। अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप शियर फोर्स की वैल्यू निकालिए, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालिए, और आप जो है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करके डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। तो आपकी ये वैल्यू आई थी डब्ल्यू एल बाई टू, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आई थी वो भी डब्ल्यू एल बाई टू, ये थी आपकी वैल्यू। अब आप जो है यहाँ पे शियर फोर्स निकालिए, शियर फोर्स, तो शियर फोर्स क्या है, अपवर्ड क्या है पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्या है नेगेटिव। तो शियर फोर्स हमारा क्या होता है, द जो एल्जेब्रिक सम होता है वर्टिकल फोर्सेस का इधर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम, मतलब बीम के लेफ्ट या राइट सेक्शन पे जो हमारा वर्टिकल फोर्सेस होता है उसका एल्जेब्रिक सम को ही हम क्या कहते हैं, शियर फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपवर्ड फोर्सेस कितने हैं इसमें, तो पहले एक एक पॉइंट पे चलेंगे, तो हम इधर से चल रहे हैं तो पहले ए पॉइंट लेंगे फिर बी पॉइंट लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पॉइंट ए पे हमारा शियर फोर्स कितना आता है, तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे कितना हो जाएगा, जो हमारा फोर्स है तो कितना है डब्ल्यू एल बाई टू, तो अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई टू किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स एट बी पॉइंट पे हम शियर फोर्स निकाल लेते हैं, सॉरी शियर फोर्स एट पॉइंट सी, एक पॉइंट सी पे भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जो लोड है इस लोड की वजह से भी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शियर फोर्स की वैल्यू आएगी। उसमें क्या था कि यहाँ और यहाँ कोई लोड नहीं था, पॉइंट लोड वाले में क्या था कि इन दोनों पॉइंटों पे कोई लोड नहीं था, तो इसलिए हम जो है केवल यहाँ पे निकाले थे फिर उसके बाद यहाँ भी निकाले थे। तो इसमें जो है क्या करना पड़ेगा कि सी पॉइंट पे भी हम एक शियर फोर्स निकाल लेते हैं, तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स क्या आएगा डब्ल्यू एल बाई टू, और यहाँ क्या होगा हमारा, तो ये हमारा फोर्स हो गया, ये आपका एल बाई टू यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका एल बाई टू, हमने इसको हाफ कर दिया, एल बाई टू कर दिया हमने, तो शियर फोर्स यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया डब्ल्यू एल बाई टू, और फिर ये हमारा, इसको जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा W इंटू एल बाई टू, ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। तो हमारी जो वैल्यू आएगी शियर फोर्स की W एल बाई टू, हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये हो गया इस लोड की वजह से W इंटू, और इसको जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो L बाई टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें हम मोमेंट नहीं ले, मोमेंट में जो है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है,
इसको हम क्या किए हैं, यूडीएल जो है, यूडीएल को जब हम चेंज करेंगे पॉइंट लोड में, यहाँ से ये मान लीजिए यूडीएल है, इस तरीके से भी यूडीएल को दिखा सकते हैं, चाहे इस तरीके से भी, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, डब्ल्यू थी, और ये कितना है हमारा एल था। जब इसको हाफ हम कर देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एल बाई टू हो जाएगी, और ये हमारी एल बाई टू हो जाएगी। तो जब हम यहाँ से लेंगे तो ये भी तो डब्ल्यू है, इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगी। तो वही चीज़ हमने रख दिया यहाँ पे, डब्ल्यू एल बाई टू, तो ये आपका कितना हो गया, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, तो ये कैंसिल, डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू एल बाई टू माइनस, तो ये आपका कितना आ गया, शियर फोर्स एट सी आपका 0 kN आ गया। उसी तरीके से शियर फोर्स एट बी, अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स एट बी, बी पे निकालेंगे शियर फोर्स एट बी। अगर यहाँ पे कोई एक और पॉइंट लोड लगा रहता है तो फिर हम शियर फोर्स निकालते हैं, शियर फोर्स एट जस्ट सी। अब इस लोड की वजह से कितना इसमें शियर फोर्स आ रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ डब्ल्यू स्क्वायर रहता तो इस ये लोड को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो वो उतनी हमारी जो आती लोड वो सी पे हो जाती। तो जो है अब बी पे हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, जीरो तो ऑलरेडी था, और फिर ये लोड आपका कितना है यहाँ पे, ये डब्ल्यू, और ये क्या है आपका बेस है। तो इसको जब अब तक हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे जब हम, तो हमारा जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट लोड आ जाएगा। तो ये हो गया W इंटू डिस्टेंस कितना है, L बाई टू, बेस हमारा क्या है, L बाई टू। तो ये हमारा क्या हो गया, W माइनस डब्ल्यू L बाई टू किलो न्यूटन। अब उसी तरीके से क्या करेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट, अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे एक एक पॉइंट पे। अब हम जो है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे एक एक पॉइंट पे, हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, तो ए पे क्या होगा, ए पे हमेशा जीरो होगा, इसलिए कि फोर्स ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, क्योंकि अब हमें जो है केवल ये देखना है। मान लीजिए कि जब हम ए पे निकाल रहे हैं तो ये हमारा फोर्स हो गया आर ए, आर ए हमारा कितना है, डब्ल्यू एल बाई टू है, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बस हमें यहीं तक लेना है ए पे। तो ये तो ये था हमारा यहाँ तक, लेकिन ये काउंट नहीं होगा, अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, जब जैसे आगे बढ़ेंगे तो कुछ डिस्टेंस हमारा आएगा। तो ए पे निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस जीरो है, मीन्स जीरो बराबर जीरो, तो शियर फोर्स एट ए कितना आ जाएगा हमारा, जीरो, सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट एट सी, अब सी पे जो है हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू इंटू एल, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, ये हो गया हमारा फोर्स, ये हो गया हमारा डब्ल्यू एल बाई टू, और ये हमारी डिस्टेंस हो गया एल बाई टू। अब जो है ये भी एक लोड है यूडीएल, यहाँ पे एक्ट कर रहा है इन दो पॉइंटों के बीच, जो है ये यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो अब हम इसके वजह से भी कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसका यहाँ पे लिखेंगे। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट इधर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम, मतलब बीम के किसी भी सेक्शन पे, सॉरी हाँ बीम के किसी भी सेक्शन पे लेफ्ट या राइट से जो अलजेब्रिक सम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। तो इसको हम अब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो जब हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, ये W हमारा हो गया, ये हो गया क्या हो गया हमारा आर ए, और ये डिस्टेंस क्या हो गई, L बाई टू, हाफ अभी ले रहे हैं हम, ये हो गया। तो जब हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, W L बाई टू, और ये कहाँ पे एक्ट करता है, हमेशा सी जी पे, मीन्स कि मिड पॉइंट पे हाफ, तो L बाई टू का हाफ क्या हो जाएगा, L बाई टू बाई टू, मीन्स कि L बाई फोर, L बाई टू का हाफ होगा L बाई फोर, तो ये हो गया हमारा, और L बाई टू बाई टू, तो ये हो गया आपका W L स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा आपका, और इंटू इसमें टू तो बराबर एट। तो इसको अब देखते हैं कितना आता है हमारा, तो C पॉइंट पे आपका कितना आ जाएगा, W L स्क्वायर बाई एट, तो ये आपका हो गया, और यहाँ पे आप ये है W, तो W इंटू एल बाई टू पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया इनटू एल बाई टू बाई टू, तो ये हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई, ये कितना हो जाएगा, दो दूनी के
चार, तो ये 4 × 2 मीन्स कि 8 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ये हो गया आपका। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये 8 हो गया, यहाँ पे 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो आपका बेंडिंग मोमेंट सी पे कितना आ गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। अब जो है आपको बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बी पे आपका कितना हो जाएगा फोर्स, फिर से वही लीजिए यहाँ से, आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी, उतनी आपको जो है डिस्टेंस लेनी पड़ेगी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। तो ये आपकी हो गई फोर्स डब्ल्यू एल बाई 2, तो यहाँ लिखिए डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू टोटल डिस्टेंस अब लेनी है यहाँ से ए से बी के बीच की दूरी कितनी है एल है इंटू एल, फिर आपको जो है ये लेनी पड़ेगी, ये टोटल अब लेना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे स्पैन पे लगा है, तो W इंटू एल माइनस W इंटू एल पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, और ये कहाँ एक्ट करेगा CG पे, तो CG की डिस्टेंस कितनी हो गई L बाई 2 इंटू एल बाई 2, तो ये हो गई आपकी W L स्क्वायर बाई 2 माइनस W L स्क्वायर बाई 2, तो ये और ये कैंसिल मीन्स की 0। तो आपकी सी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई ए पे और बी पे, ए बी पे आपकी 0 आई और सी पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो आप जो है यहाँ पे एक चार्ट ड्रा कर लीजिए, यहाँ पे आप जो है एक चार्ट ड्रा कर लीजिए, पहले यहाँ पे सीयर फोर्स डायग्राम और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ए पे सीयर फोर्स की वैल्यू कितनी आई है आपकी, ए पे आई है डब्ल्यू एल बाई 2, डब्ल्यू एल बाई 2। बी पे कितनी आई है आपकी सीयर फोर्स की वैल्यू, बी पे आपकी आई है माइनस डब्ल्यू एल बाई 2, माइनस डब्ल्यू एल बाई 2। सी पे कितनी आई है, सी पे आपकी सीयर फोर्स की वैल्यू 0 आई है, ये 0 हो गई आपकी। अब जो है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपकी कितनी आई है, ए पे, ए पे आपकी 0 आई है, बी पे आपकी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सॉरी हाँ बी पे जो आपकी 0 आई है और सी पे आपकी जो आई है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आपका चार्ट बन गया। अब जो है क्या करना है आपको, सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रा कर देना है डायग्राम। तो अब इसमें जो है आपका एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर आएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर क्या होता है, जहाँ पे सीयर फोर्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर इज दैट पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ सीयर फोर्स विल बिकम 0 एंड द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बिकम मैक्सिमम। दैट पॉइंट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर। तो इसको आप चाहे तो अलग भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसी में इसके नीचे ही बनाइए, चाहे तो आप यहाँ भी बना सकते हैं सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ए पे आपका कितनी है, ए पे आपका है डब्ल्यू एल बाई 2, डब्ल्यू एल बाई 2। बी पे कितना है आपका, माइनस डब्ल्यू एल बाई 2, माइनस डब्ल्यू एल बाई 2। सी पे आपका 0 है, तो आपको यहाँ देखना है ये कौन सा लोड लगाया, चार्ट आप अब याद करिए। तो ये आपका UDL लगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उसमें आपका सीयर फोर्स कैसा बन रहा था, लीनियर बन रहा था, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा था, पैराबोलिक। तो जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको चार्ट रट जाएगी कि कैसे हमें क्या ड्रा करना है, ये एक चीज़ आप याद रखिएगा, नहीं तो पता चले कि आप एग्ज़ाम में सही करके आएँ और कुछ इस तरीके से आपने बना दिया ये और यहाँ लिखा नहीं, एग्जामिनर को लगा कि यार ये क्यूबिक है कि पैराबोलिक है क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पैराबोलिक या n बराबर 2 भी लिख सकते हैं, तो वो समझ जाएगा कि पैराबोलिक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका, तो अब आपका ये कैसा बनेगा, ये UDL है तो लीनियर होगा, तो कुछ इस तरीके से ये और ये, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी अगर आप पता करना चाहें, वैसे तो ये दिख रहा है ये हाफ होगा ही,
एल बाई टू एल बाई टू। अगर आप इसको निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल से। सिमिलर ट्राइंगल से कैसे आएगा, मान लीजिए कि ये आपका एल था और ये आपकी हाइट दी हुई थी, तो आप इसको क्या मान सकते थे, आप इसको मान सकते थे एक्स मान लेते हैं, यहाँ से इसको एक्स मान लेते हैं, फिर सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते हैं ये अपान ये और ये अपान ये निकाल सकते थे। एक इससे भी आ सकता है सिमिलर ट्राइंगल से, हमें लगता है कि सिमिलर ट्राइंगल से आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग सिमिलर ट्राइंगल से आएगा कि नहीं। सिमिलर ट्राइंगल जैसे मैं बता देता हूँ, सिमिलर ट्राइंगल जैसे ये आपका हो गया, ये मान लेते ये W था, ये आपका L था, तो जब इसकी वैल्यू निकालनी रहती थी, अभी जब हम UBL के केस कराएंगे तो उसमें आपको बता देंगे कि सिमिलर ट्राइंगल होता कैसे निकालते हैं उसको। तो इसको आप X मान लेते हैं तो आपका निकल जाता, तो ये अपान इसको कोई पॉइंट A या B कुछ भी मान लेते हैं, तो A बाई X कर लीजिए इसको, और इसको W बाई L, A की वैल्यू हमें निकालनी है तो A बराबर W X अपान L। इसी तरीके से हम निकालते हैं यहाँ की वैल्यू, ये अगर ये भी चाहिए तो ये भी निकल सकती है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़े होंगे 6-7 में, ये आ गई। अब हमें जो है बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना है यहाँ पे, यहाँ पे जो है हमें बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना है। तो ये पॉइंट जीरो, ये पॉइंट जीरो, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो कैसा बनेगा हमारा, इस पे यूडीएल लगा हुआ है तो ये पैराबोलिक हो जाएगा, ये जो है पैराबोलिक हो जाएगा। और ये हमारा क्या क्या बना था, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है कि जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। यहाँ पे देखिए इसी पॉइंट पे जो है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आई है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमारी आ गई है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, और शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो आई थी, सी पे जीरो आई थी। तो इसी पॉइंट को जो है हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर बोलते हैं। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच।